Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सरे शाम से लेकर लगभग पौने ग्यारह के करीब हो चुका है। अब तक हम और आप बैठ करके किसी के बाप का जिक्र नहीं, मदीने के रसूल पाक का जिक्र सुन रहे हैं। और शाम ही से अब तक ये काम करते आ रहे हैं। आज की रात हमारी ये खुश नसीबी है, फिरोज बख्ती है। उलमा शोरा की जुबानी आपने, नबी की तारीफ, नबी की नात आपने सुना। थोड़ी देर में आपकी मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर आया भाई कलामुद्दीन भाई ने माना नहीं। मैं तो कह रहा था सलाम पढ़ लिया जाए, लेकिन बहरहाल जो बुलाया है तो उसका हुक्म की तामील तो करना ही पड़ेगा। मेंबर नूर पे बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हैं, सबसे आप मुलाहजा कर लिए हैं, सबको आप देख लिए हैं, सुन लिए हैं। और माशाल्लाह एक से एक उलमाए किराम हैं जिनके चेहरे का दीदार कर रहे हैं। सब सब खूबसूरत लबो लहजे में नबी की नाम, नबी की बातें करके आपसे रुखसत हो गए हैं। थोड़ी देर में बात करूंगा। मेंबर नूर पे खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा नसरुद्दीन बरकाती साहब किबला जिनकी मोहब्बतें हैं, इन्होंने भी बड़ी ख्वाहिशमंद हुए कि आपको बोलना ही है। भाई मोहतरम जमील अख्तर तूफानी साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हजरत कारी हसरत जमाली साहब किबला, भाई दानिश रजा साहब किबला, हजरत हाफिज वकारी आसिम साहब किबला और उस्ताद शोरा हजरत शायर बिदरक अल्लामा इदरीस अंसारी साहब किबला, तमाम तरुलमाए किराम का सपोर्ट रहा। थोड़ी देर मैं आपके सामने आ गया और खुसूसी मोहब्बत भाई कलामुद्दीन भाई की। थोड़ी देर अगर आप सुनेंगे तो झूम कर दुए पाक सुनाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन अलमादनी जूदि बिल करम वालिही व सहाबी बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। और दुनिया की मसरूफियत में हमें खबर ही नहीं, हमारा कफन भी इसी बाजार में रखा होगा। दुनिया की मसरूफियत में हमें खबर ही नहीं, दुनिया की मसरूफियत में हमें खबर ही नहीं, हमारा कफन भी इसी बाजार में रखा होगा। और एक शेर है कि ताकते इश्क नबी दिखलाऊं क्या, ताकते इश्क नबी दिखलाऊं क्या, आसमान को जमीन पे लाऊं क्या। यार मेंबर नूर बोल भाई ग्राम समझ रहे हैं, आपको समझ आया ना है। मैं जो मुझे बुलाया है मैं उसकी हुक्म से 11 बजे तक बोलूंगा इंशाल्लाह। 10:50 हो गया है ना, है ना। और उसका हुक्म है तो बोलूंगा ही, आप सुने या ना सुने कोई नहीं रहेगा इंशाल्लाह, फिर भी बोलूंगा। चूंकि सामने रजवी अफजल चल रहा है, पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे, है ना। मैं पूरी दुनिया से इस वक्त मुखातिब हूं। शेर पढ़ता हूं, बताऊं कि ताकत इश्क नबी दिखलाऊं क्या, आसमान को जमीन पे लाऊं क्या, ताकते इश्क नबी दिखलाऊं क्या, आसमान को जमीन पे लाऊं क्या, और हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, या नबी क्या करूं मर जाऊं क्या। हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, या नबी क्या करूं मर जाऊं क्या। ये बड़ी खुशी की बात है, मौत की महफिल में बैठे हैं, किसी के 40वें के मौके पे बैठे हैं, है ना। जाने वाली मरहूमा सबसे पहले दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। और इस महफिल नूर के सदके में मुझे यकीन है कि उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश हो रही है यार। और जितनी देर आप बैठे हैं ना, शाम से लेकर तक तक आप इतनी देर तक दूसरी रातें आप कभी अच्छे काम में नहीं गुजर रहे होंगे। हाँ, आप आए दिन जिंदगी गुजारते होंगे, लेकिन दूसरा दिन जो इस वक्त आप नबी की महफिल में गुजार रहे हैं ना, इंशाल्लाह मौत की तो कोई गारंटी नहीं है। अगर हो ना हो, कल हमारी इंतकाल भी हो जाए ना, फला कहेंगे कि देखो यार कल रात किसी ऑर्केस्ट्रा की महफिल में नहीं था, नबी की नात की महफिल से बार बार उठ करके आया।
तो ये मुकद्दर वाली मौत होती है, वरना साहिब मरने को तो सब मरते हैं, सब कोई जानता है मरना सबको है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, लाचार को भी मरना है, यतीम को भी मरना है, उलमा को भी मरना है, शोरा को भी मरना है, यार आपको भी मरना है, हमें भी मरना है। लेकिन दुनिया सबके जाने के बाद अफसोस नहीं करती है, सब कोई जानता है जाने वाला एक दिन सब जाएगा, मेरा बाप भी चला जाएगा, रिश्तेदार भी चला जाएगा, हमारा दोस्त भी चला जाएगा, हमारा दुश्मन भी चला जाएगा। लेकिन यार जाने के बाद सबको सबके लिए अफसोस नहीं करता है। और साहिब क्यों करे किसी पे कोई अफसोस? क्या शराबी की मौत पे कोई अफसोस करता है? क्या क्या जुआरी की मौत पे कोई अफसोस करता है? क्या चोर की मौत पे कोई अफसोस करता है? क्या डाकू के मौत पर कोई अफसोस करता है? क्या शराबी के मौत पर कोई अफसोस करता है? खुदा की कसम दुनिया के याशियों के अड्डों अड्डे को बात करने वाले पे कोई अफसोस नहीं करता है। अफसोस अगर करता है तो कुरान के कारी पे अफसोस करता है, नमाज के आदि पे अफसोस करता है, खुदा की कसम अल्लाह के और उसके रसूल के तस्बीह और तहलील करने वाले पे अफसोस करता है। एक आखिरी बात कह दूं, दुनिया खद्दार के मौत पे अफसोस नहीं करती है, मुस्तफा के वफादार के मौत पे अफसोस करती है। नारे तकबीर, नारे रिसाल। साहिब दुनिया तो वफादार की मौत पे अफसोस करती है, अब साहिब जब मर जाना है सब कोई जानता है, दुनिया छोड़ करके जाना है साहिब, ये सब कोई कबूल कर रहा है, अदना हो या आला हो सब कोई मान रहा है। आज बड़े से बड़ा दौलतमंद हो, दौलत किसी को नहीं बचा पाएगी, जमीन के बलबूते पे कोई मौत से नहीं बच सकता है, अपनी हुस्न की खूबसूरती के बुनियाद पे कोई नहीं बच सकता है साहिब। ये मौत अटल हकीकत है, मौत ऐसी चीज है जिसे सबको सामना करना पड़ रहा है, सबको सामना करना पड़ेगा साहिब। आज हम दुनिया अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, शराब के अड्डे पे हम जा रहे हैं, जुआ के अड्डे पे हम बैठ रहे हैं साहिब, कभी हमने सोचा है ये मौत का झटका कब आ सकता है? अल्लाह कब ये सांसें ले सकता है? जब सब कोई जानता है मरना ही है, तो फिर मौत को ऐसा बना ले साहिब कि जब हम दुनिया से चले जाए तो अपना तो दूर की बात है, गैर भी कहे देखो यार कोई आम नहीं जा रहा है, मुस्तफा का वफादार जा रहा है, देखो ये किसी खद्दार का जनाजा नहीं है, ये मुस्तफा का वफादार का जनाजा है। खुदा की कसम मुस्तफा ने फरमाया था, अगर जाने वाला इंसान के नजरों में अच्छा होता है वो खुदा की नजरों में भी जन्नती हो जाता है। नारे तकबीर। जाने वाला अगर इंसान के नजर में अच्छा हो तो फिर खुदा की नजर में भी अच्छा हो जाता है। तो साहिब मरना है साहिब, आओ ना बड़े से बड़ा स्कॉलर डॉक्टर से भी पूछा जाए यार तुझे मरना है कि नहीं, आज बड़े से बड़ा साइंसदानों से भी पूछ लिया जाए यार तुझे मरना है कि नहीं। आज साइंस अपने इल्म की बुनियाद पे ये लफ्ज मौत को याद रख लीजिएगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये किसी मौलवी की लिखी हुई किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुफ्ती की पदवी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी खानकाह के पीर की लिखी हुई किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान का ऐलान है, ये कुरान मजीद है जो दुनिया की सबसे अजीम किताब है, दुनिया की बड़ी किताब है। यही तो रीजन है यार आज बड़े से बड़ा साइंसदान भी कबूल कर रहा है, हमें भी बनना है। साइंसदानों ने अपने इल्म के मुताबिक अंदाजा लगा लेता है यार जमीन कब हिल सकती है, बारिश कब हो सकती है, तूफान कब आ सकता है, जलजला कब आ सकता है। साइंसदानों ने अपने इल्म के मुताबिक अपने हैसियत के मुताबिक अंदाजा लगा लेता है, फला वक्त में बारिश होने वाली है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जलजला आने वाला है फला रोज में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तूफान आने वाला है फला वक्त में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन पकड़ के पूछना किसी साइंसदानों से, अरे ये तो बता तुझे अपने इल्म पे इतना गुरूर है, तुझे अपने जानकारी पे इतना घमंड है, तुझे दौलत पे इतना घमंड है, अरे ये बता साइंसदान तुझे मरना है या नहीं, वो भी कहेगा हाँ, और ये तो बता साइंसदान तू कब मरेगा, ये कहेगा इसका इल्म नहीं है। हम ये बता सकते हैं बारिश कब होने वाली है, सलसला कब आने वाला है, तूफान कब उठने वाला है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि हमारी मौत कब आने वाली है, फला कब मरने वाला है। मैंने कहा ये बता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को मानता है या नहीं, कहा हाँ ये तो मानता हूँ यार मुझे मरना है। साइंसदानों ने भी कबूल किया हमें मरना है, गरीब ने भी कबूल किया हमें मरना है, डॉक्टर ने कबूल किया हमें मरना है, इंजीनियर ने कबूल किया हमें मरना है, वक्त पर प्रधानमंत्री ने कबूल किया हमें मरना है। मैंने कहा साइंसदान आखिर क्यों मान लिया, तुझे मरना है, कहा इसका इल्म नहीं है मुझे कब मरना है, लेकिन मरना है इसलिए कि सबसे बड़ी किताब ऐलान कर रही है, दुनिया की अजीम किताब कुरान ऐलान कर रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये किसी मौलवी का कॉल नहीं है, किसी मुफ्ती का कॉल नहीं है, किसी मस्जिद के इमाम का कॉल नहीं है, किसी मदरिस का कॉल नहीं है, अरे किसी खानकाह के पीर का कॉल नहीं है। वो खुद ना देख करके कहने लगा ये उसका कॉल है कि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला।
مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا فیروز عالم صاحب قبلہ رضوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب کو دنیا چھوڑ کے کے جانا ہے صاحب اپنا معیار بنا لو نا آئے تھے ہم شراب کے اڈوں میں گم ہو جاتے ہیں آج ہماری ذہن و فکر میں دولت سما گئی ہے آج ہمارے ذہن و فکر میں دنیا کی عیش و عشرت سما گئی ہے آج ہمارے ذہن و فکر میں شراب کے اڈے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے سینوں میں دنیا کی مال بیٹھی ہوئی ہے دنیا کی دولتیں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سینوں میں نہیں رہا تو قرآن کی محبت نہیں رہی ہمارے سینوں میں نہیں رہا مصطفیٰ کا کردار نہیں رہا ہمارے سینوں میں نہیں رہا تو نہ ہی اسلام رہا ہے نہ قبر رہا ہے نہ حشر رہا ہے یار مصطفیٰ کی محبت میں مر جا یہاں آنا بھی تیرا کامیاب ہو جائے گا یہاں سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا یہاں آنا بھی کامیاب اور جانا بھی کامیاب رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنائے ایک بنائے مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے استغفر اللہ ربی مخلص ربی و تو بولے بھی چمن تو پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے السلام علیکم